नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अभी उसने 8 कमेटियां बनाई है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि उसमें CWC मेंबर सचिन पायलट को किसी भी कमेटी की कमान नहीं सौंपी गई है। पायलट को कमेटियों में मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है, क्योंकि CWC मेंबर सभी चुनाव कमेटियों में एक ऑफिसियो मेंबर होता है। CM अशोक गहलोत कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कोर कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं। स्पीकर CP JC को मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष, हरीश चौधरी को स्ट्रेटजी कमेटी का अध्यक्ष और ममता भूपेश को मीडिया और कम्युनिकेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। पायलट समर्थक मंत्री मुरारी लाल मीणा को पब्लिसिटी और पब्लिकेशन कमेटी का अध्यक्ष और प्रमोद जैन भाया को प्रोटोकॉल कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। चुनावी कमेटियों के अध्यक्ष बनाए गए नेता हर कमेटी में एक्स ऑफिसियो मेंबर रहेंगे। कांग्रेस ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि सियासी संतुलन बना रहे। यही वजह है कि गोविंद मेघवाल को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया है और दलित वोटर्स में मैसेज देने की कोशिश की है। दो कमेटियों के अध्यक्ष दलित हैं। मेघवाल के अलावा प्रचार कमेटी के अध्यक्ष ममता भूपेश भी दलित वर्ग से आती हैं। चुनाव कमेटियों में दलित, सवर्ण, जाट, वैश्य, ब्राह्मण, OBC वर्ग से एक एक अध्यक्ष बनाए गए हैं। अशोक गहलोत के बेटे हैं, RCA अध्यक्ष हैं। वैभव गहलोत को कैंपेन कमेटी में मेंबर बनाया गया है, जबकि CM के ही सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र समिति में सदस्य बनाया गया है। कोर कमेटी में सुखजिंदर रंधावा संयोजक बनाए गए हैं। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, महेंद्रजीत मालवीय, मोहन प्रकाश, डॉक्टर CP जोशी और गोविंद राम मेघवाल मेंबर बनाए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि सचिन पायलट मेंबर के रूप में तो कमेटियों में हैं, लेकिन उन्हें किसी भी कमेटी की कमान नहीं सौंपी गई है। और यहीं से चर्चा चल निकली है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व सचिन पायलट को दरकिनार कर रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव यानी 2018 में जब चुनाव हुए थे तो सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने खुद टिकट बांटे थे, जिसकी बदौलत वो दावा करते हैं कि सत्ता में आई थी कांग्रेस। लेकिन जब मलाई चाटने की बारी आई तो दिल्ली में बैठे अशोक गहलोत को कर दिया गया आगे। सचिन पायलट से कहा गया कि अभी आप जवान हैं, आपके पास वक्त है, बहुत थीन मेजोरिटी है, लिहाजा किसी अनुभवी नेता की ज़रूरत है। अनुभवी नेता के नाम पे अशोक गहलोत को अहमद पटेल ने भेज दिया राजस्थान। उसी दिन से राजस्थान कांग्रेस में सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन 2020 में करती बगावत, क्योंकि अशोक गहलोत तो उनकी सुन ही नहीं रहे थे। उनके कहने से एक सिपाही का भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। फिर सचिन पायलट जो है अपने समर्थक विधायकों के साथ होटल में आकर के रुके। बहुत दिनों तक मान मनोवल का दौर चला। अशोक गहलोत का दावा है कि उन्होंने बिना सचिन पायलट के भी अपनी सरकार बचाने का जुगाड़ कर लिया था, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दखल से सचिन पायलट वापस लौट आए। उसके बाद उन्हें वो प्रतिष्ठा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी और ये संघर्ष चलता रहा। हाल के दिनों में केंद्रीय नेतृत्व ने मीटिंग बुला करके दोनों में हाथ मिलवाया, दोनों में दोस्ती कराई, लेकिन लगता नहीं है कि अंदर से दोस्ती हुई है। दिल से दोस्ती नहीं हो पाई। हाथ मिलने से क्या होता है? सचिन पायलट ये दावा जरूर कर रहे हैं कि परंपराओं को तोड़ करके कांग्रेस इस बार सत्ता में लौटेगी, लेकिन क्या वास्तव में लौटेगी? सचिन पायलट को दरकिनार करके क्या कांग्रेस सत्ता हासिल कर लेगी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।